ये शुद्ध अन्न, और शुद्ध अन्न ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक अन्न में भी प्राचीन पद्धति में क्या होता था, जब किसान खेती करता था तो ला करके अपने बीज को अपने इष्ट देव के आगे रखता था, हवन किया करते थे, प्रसाद बांटा करते थे, तब प्राचीन पद्धति में खेती होती थी। आज किसान उसके बदले में ट्रैक्टर पर जा करके डीजे लगा लेता है, पॉप संगीत चलता है, जा करके बीज खरीद के लाता है, रास्ते में लाल पानी की दुकान हो उसका सेवन करता है, और उसके सेवन के बाद बीज बो देता है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, जो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं उस ज्ञान के द्वारा, वो खेती के अंदर प्रयोग करते हैं, जिसको सकारात्मक सोच के माध्यम से। नहीं, दोनों साथ में है, क्योंकि मैंने बताया ना, सरकारी जो गोष्ठियाँ होती हैं उन गोष्ठियों में हम लोग शामिल होंगे जा करके, जहाँ भी सरकार की, वैसे गवर्नमेंट की तरफ से उनको सर्कुलर गया हुआ है, जहाँ जहाँ हमारा कैंपेन जाएगा उन्हीं दिनों में उन्होंने गोष्ठी मैनेज की है। सरकारी अधिकारी अपनी योजनाओं के बारे में बताएंगे, और हम उनको मेंटली प्रिपेयर करके कि जैविक और यौगिक के माध्यम से खेती की उपज बढ़ा सकते हैं, ऐसा उनको तरीका समझाएंगे, जिससे उनकी फसल बढ़ जाए, खर्चा कम हो, और आत्महत्या करने से वो बच जाए। हाँ, क्योंकि आज भारत सरकार के कई प्रोजेक्ट इसके अंतर्गत चल रहे हैं जैविक योगिक, जैविक खेती के प्रति, लेकिन किसान जागरूक नहीं हो रहा है, उसके अंदर आध्यात्मिकता नहीं ला पा रही गवर्नमेंट, तो इसीलिए आध्यात्मिक संस्थान एक जा करके उनको आध्यात्मिकता के बल दिलाएगा, जिससे उस खेती को करें। और हम खेती को मोटिवेट ये भी करते हैं किसानों को, आप शुरू में सारा नहीं कीजिए, अपनी खेती का दसवां भाग कीजिए। फर्स्ट ईयर तो हमारी फसल कम होगी, क्योंकि खेती के अंदर कमजोरी है। सेकेंड ईयर हमारी फसल लगभग जैविक और रासायनिक खेती के बराबर आ जाती है, प्रोसेस हो जाए। हाँ जी, तीसरे साल हम बढ़ जाते हैं, इसलिए फिर किसान अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। गवर्नमेंट क्या है वो सारा कराती है, हम दसवां भाग कराएंगे। लेकिन अभी तो मेंटली साइट लाभ वाली है। हाँ जी, उससे के दूर करने में भी वक्त लगेगा? ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी दूर करने में टाइम नहीं लगता है। आप हमारे साथ चलिए, कहीं कहीं देखेंगे आप, किसान आज बिल्कुल तैयार बैठा है। मैं सभा से जब आवाज़ उठाता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सारे मेडिकल रिसर्च हो चुके हैं। आप सभी जानते हैं कि कैंसर की बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर राय देते हैं इसको ज्वारे का जूस पिलाओ। ज्वारे का जूस क्या होता है, वो ऑर्गेनिक गमले के अंदर ऑर्गेनिक अन्न बोया जाता है, जिसकी पत्तियों का जूस पिलाया जाता है। उस गमले जो में मिट्टी होती है, वो जीव संजीव मिट्टी होती है, और ये जो हमारी मिट्टी है खेत के अंदर, ये मर चुकी है रासायनिक डालने से। तो हम क्यों ना अपनी मिट्टी को कम से कम ऐसा बना लें जिसमें कुछ तो जीव रहें। उन जीवों के प्रति भी हम लोगों को जागृत कर रहे हैं कि गऊ जरूर पालिए, देसी देसी गाय के बिना हमारी खेती असंभव। इसलिए देसी गाय का जो आज आंदोलन चल रहा है देश के अंदर, वो भी हमारी एक समस्या हल होगी। इससे हर किसान देसी गाय पालेगा तो फिर ये गांव गोकुल गांव जैसे बन जाएंगे, ये 100% सही। इसमें दोनों, एक तो खुद मैं खुद दोषी हूँ, स्वयं दोषी हूँ, मतलब किसान खुद दोषी है। दूसरा, एक होड़ के फास्ट रिजल्ट चाहिए, दोनों चीज़ें। जब ये रासायनिक का पद्धति शुरू हुई थी ना, उस समय हमारे भारत देश में कोई भी किसान इसको उठता नहीं था, तो हमारे कृषि वैज्ञानिक खुद जाकर के चुपके से खेती में डाल के आते थे। लोग इसको कहते थे ये हड्डियों का रस है, इसको हम नहीं डालेंगे। लेकिन धीरे धीरे जब इसकी प्राप्ति देखी, उपज बढ़ी, तो लोगों में होड़ मच गई, और ज्ञान सही ना होने के कारण इसका दुरुपयोग हो रहा है। एक्चुअल में हम अगर सॉइल टेस्ट करें तो हमारी खेती को ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलो चाहिए था यूरिया, और हम डाल रहे 4 बोरी, उसका गलत रिजल्ट आ रहा है। अब इसका रिजल्ट गलत इतना रहा है, आप शायद मीडिया से प्रभारी हैं, सभी जानते हैं मेरे से ज़्यादा, पंजाब के अंदर क्या हालत हो चुकी है। हमारे सारे देश की जो सबसे ज़्यादा उपज देने वाली भूमि थी, वो बिल्कुल बंजर हो गई, हज़ारों एकड़ भूमि ऐसी पड़ी है। कर्म तो सबसे पहले, क्योंकि गीता में भी कहा है मुझे कर्मयोगी प्रिय हैं, तो हम कर्म तो सिखला रहे हैं उनको, घर बार छोड़ना नहीं सिखला रहे। इसके अंदर हमने, इस कैंपेन के अंदर ग्रामीण युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम रखे हैं, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम रखे हैं। इसके बाद भी हमारी ये बहनें गांव में जा करके हैंडीक्राफ्ट के कुछ ट्रेनिंग देने के आदि की गवर्नमेंट के साथ मिलकर ट्रेनिंग का कार्यक्रम भी बनाएंगे, और साथ हम लोग यूथ के लिए भी, किस तरह यूथ को मोटिवेट किया जाए, बुराइयों से बचाया जाए, उसके लिए भी हम लोग कार्यक्रम करते हैं। देखिए, सबसे पहले मूलत है जो है ना, हम जड़ से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है, और हमेशा नीम के ऊपर ही बिल्डिंग खड़ी होती है। हमारी ये पुरानी पद्धति, पुराने लोग ही ठीक हो जाएंगे तो युवा पीढ़ी अपने आप सही हो जाएगी। ऐसे कई अनुभव मेरे अपने जीवन में आए हुए हैं। कुछ लोग ऐसे जिनके घर में आज भी टीवी नहीं है, और उनका पूरा परिवार सही चल रहा है, क्योंकि हमने हर चीज़ का दुरुपयोग किया है।
आप मीडिया से संबंधित हैं लोग, आप सभी जानते हैं कोई भी प्रचार प्रसार गलत नहीं है, सब अपनी जगह सही है, लेकिन वो हद है हर एक चीज़ की, मर्यादा है, मर्यादा से पार जाएंगे तो हमारे देश को जरूरत ही हरित क्रांति की, रासायनिक की जरूरत ही, तो हमने मर्यादा रखी थी, स्वेल टेस्ट कराइए, जितनी डाइट की जरूरत है उतना डालिए, पर अब मर्यादा से पार चले गए, आज उसका रिजल्ट हमारे सामने है। हम लोगों को मर्यादित जीवन जीना सिखाएंगे।